सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम सोना। स्वागत है आप सभी का भाई मेरी यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? थोड़ा एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मोटिवेशनल ट्रैक कल ड्रॉप हो चुका भाई यूट्यूब और स्पॉटिफाई यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जो कि गाना होने वाला विशेष मलिक और उसमें भाई कोलैब में आर्टिस्ट अपने नैज भाई। और नैज भाई को किसने नहीं सुना और कब नहीं सुना, ठीक है? तो भाई मतलब इन दोनों का गाना है जो कि एक मोटिवेशनल ट्रैक है, तो भाई सुनना बनता है क्योंकि हम नैज को जानते हैं भाई, ठीक है? कि नैज हमें जब मोटिवेशन देता है वो किस लेवल की होती है, हमने उसके काफ़ी गाने सुने। और नैज जो अपने रियलिटी बताने में भाई वो संकोच नहीं करता बिल्कुल भी भाई, वो देखता नहीं, अनफिल्टर्ड इंसान है भाई पूरा नैस, मेरा प्यारा भाई, बड़े भाई अपने एंड अपने बड़े भाई विशेष मलिक भाई। इन दोनों का गाना कल ड्रॉप होता है यूट्यूब पे कल 6 बजे, लेकिन मैं रिएक्शन वीडियो अभी बना रहा हूँ। क्यों? ठीक है, बना तो रहा हूँ, बट भाई ये गाना फायर है तो अभी हम करेंगे इसके गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो। देखिए भाई गाना कैसा है कैसा नहीं है। एंड मैं तो भाई अनलिमिटेड टाइम से सॉन्ग ऑलरेडी लूप पे सुन चुका हूँ। एंड मैं तुम्हें भाई मतलब वॉर्न कर दे रहा हूँ, अगर तुम ये गाना सुनोगे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, मतलब हो सकता है तुम महीनों तक लूप पे फंसे रहो, क्योंकि बहुत प्यारा गाना है यार, सच में बहुत प्यारा है। तो भाई फालतू बातें आगे करेंगे क्योंकि मैं बस बातें तो फालतू ही करता हूँ, उसकी बीटी मतलब बाकी रिएक्शन वीडियो अपने स्टार्ट करते यार राइट नाउ। ए नंगो पुंगू गाइस व्हाट्स अप। अरे 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 भाई ये कूलो पे क्यों जूम हो रहा भाई, ये नोटी नोटी क्यों चल रही वीडियो, ये देख रहे हो? हाँ भाई, या अबे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ। घर पे है खर्च 1000, थकान तो है बहुत, मैं ना मान सका हार, आई नो की कर लेंगे यार, मुझे ड्राइव करता है मेरे अपनों का प्यार, ये आई नो की कर लेंगे यार, ठीक है ना यार, हो जाएगा, टेंशन मत ले, कर लेंगे आराम से, तू बस मेहनत कर, ज्यादा सोच मत, दिस इज मोटिवेशन भाई। गाने मेरा घर भी चलाएंगे, यही है खुद पे विश्वास मुझे, तो कल को जो मैं बड़ा बनूंगा तो पीछे ना घूमना आप मेरे, तब को ना क्लेम करना मेरी सक्सेस, तब ये ना बोलना न्यू इज बेस्ट, तब भी ये बोलना कि तब भी ते बोलते कि कुछ नहीं बनेगा, इज रियली रियली मैड, पता चला एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, मेरी जो ना मानते मानेंगे हर डिसीजन, अलग सबके रास्ते और अलग है डिवीजन, विज्ञान बांटता मैं वो भी विद प्रिसीजन, अलग है सबके रास्ते, अलग है सबके डिसीजन, मतलब सबका पीओवी पर्सपेक्टिव सोच सब अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती है, सबको अपना अलग अलग तरीके से काम करना, लेकिन फिर भी भाई ज्ञान बांटते हैं वो भी विद प्रिसीजन। भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा चटकिया, कसम से कह रहा होगा तुम भाई की डिस्कोग्राफी बोलते ना डिस्कोग्राफी, आया आप भाई बाहर में जाए, मतलब आप भाई के पहले के गाने सुनोगे, मतलब आप सोचो कि भाई ये बंदा बहुत अलग टाइप के गाने बनाता है जो कि हमें यूजुअली सुनने को नहीं मिलते हैं, ठीक है? मतलब बहुत अलग फ्लेवर है भाई का और बहुत अलग तरीके के लिरिसिज्म है भाई की। तो प्लीज़ भाई, भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक और स्पॉटिफाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, जाके ज़रूर सुनना। गाने बजने वाले जल्दी ऑन टेलीविजन, लिमिट लगनी लिमिट पे नहीं लिमिटेड एडिशन, चाहिए मुझको लिमिट्स लगनी लिमिट पे लिमिटेड एडिशन, भाई क्या बोल बजने वाले जल्दी ऑन टेलीविजन, लिमिट लगनी लिमिट पे नहीं लिमिटेड एडिशन, चाहिए मुझको लेगेसी, तुम रखो अपने सीजन, चूज इन डिफरेंट लेन सो आई कॉन कंपटीशन, कहने को सभी है सेम, कभी क्या करी कंप्लेन, नाउ हर दिन की हसल है जिंदगी, देता एक्सक्यूजेस क्या लेन, नाउ जिंदगी अलग है तुझे टफ, तेरी रफ एंड टफ ब्लफ ही देखना तुझे जीत देगी, मिडिल क्लास लाइफ पर माइंडसेट है हार, और रोज का कलेश कभी खाया ठीक से नहीं, तो खामा खामे बांटो ना ब्रह्मांड का ज्ञान, और तुम्हें हिम्मत दिखे किसी की तो तोड़ो ना, मुझे गाने गाने से ना कभी रोक सका बाप, मेरा लगा कैसे रोक लोगे आप। भाई इस पार्ट में तुम ये देखो, यहाँ से एनर्जी भाई यहाँ पे गाना चल रहा होता है एकदम यहाँ पे, और यहाँ से भाई गाना ऐसे जाता है ना भाई कोरस की तरफ, और कोरस पे जाते ही डाउन गिरता है, क्यों? क्योंकि कोरस बहुत सॉफ्ट पार्ट है जो कि तुम्हें बहुत सारे लेसन देने वाला, यूं जाएगा भाई यहाँ से एनर्जी और हो गया भाई, मतलब अलग ही स्ट्रक्चर है, तो खामा खामे बांटो ना ब्रह्मांड का ज्ञान, और तुम्हें हिम्मत दिखे किसी की तो तोड़ो ना, मुझे गाने गाने से ना कभी रोक सका बाप, मेरा लगा कैसे रोक लोगे आप, हो गया बहरा मैं बहरा, मुझे दिल की सुनने दो, चाहिए आजादी इन कमरों में, बंद ना मुझको करो, हो गया बहरा मैं बहरा, मुझे दिल की सुनने दो, चाहिए आजादी इन कमरों में, बंद ना मुझको करो, हो गया। सो बेसिकली भाई ऑल ओवर अगर हम कोरस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये बातें क्या चल रही है कोरस के अंदर, ठीक है? तो यूजली भाई भाई कह रहे हैं हो गया बहरा, मतलब मैं बहरा हो चुका हूँ, क्यों? रियल में नहीं,
असली में बहरे नहीं हुए, मुझे दिल्ली की सुनने दो। इट्स ऑल अबाउट कि यार अब मैं बहरा हो गया, मुझे दुनिया की नहीं सुननी, मुझे समाज की नहीं सुननी, मुझे दोस्तों की नहीं सुननी, परिवार की नहीं सुननी, रिश्तेदारों की नहीं सुननी, क्योंकि बहुत सुन लिया और अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे अपनी खुद की मन से और दिल की सुनने दो, ठीक है? मुझे अब खुद मेरे को जो अच्छा लगेगा अब मैं वो करूँगा। मैं नहीं सुनने वाला भाई किसी की। चाहिए आज़ादी बंद तुम कमरों में ना करो। ऑफकोर्स भाई आज़ादी चाहिए भाई, बंद कर लोगे तो नहीं, मतलब सुन सुन के बहुत बंद हो लिया भाई कमरों में, अब आज़ादी चाहिए, अब खुद की सुनने का वक्त आ गया भाई। ये आज़ादी इन कमरों में बंद ना मुझको करो भाई, बहुत हो गया बहरा मैं बहरा या 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 भाई यहाँ से अपने नैज भाई आ रहे, तो देखते भाई नैज भाई ने अपना कैसा वर्स दिया है। लेट्स गो। बुरे ते जो दिन और बुरे ते हालात तो मैं रोज उन्हें याद करूं, पूरी जिंदगी मैंने दुनिया की सुने क्यों ना खुद की मैं आज सुनूं, तुझे दिखता है मुझ में भगवान मैं आईने के सामने इबादत करूं, ये लॉडी कोई चर्च नहीं पर इस गेम में मैं इनका फादर बनूं, तो इसी पॉप का कहना हूँ तेरे शौड़ी के गले में मुझे पहना तू, वो कहते थे के रैप से नहीं पैसे आते कर तो आज पैसों से उन्हें मैं मेरे नहला तू, समंदर के पानी सा मैं कह रहा हूँ वैसे तो शांत पर अंदर से पूरा सैलाब, चले कब मिलेगा मुझे सब्र का फल इस जवाब के लिए कब से ठहरा, हो गया भैरा मैं भैरा मुझे दिल की सुनने दो, चाहिए आजादी इन कमरों में बंद ना मुझको करो, हो गया बहरा मैं बहरा मुझे दिल की सुनने दो, चाहिए आजादी इन कमरों में बंद ना मुझको करो, हो गया बहरा मैं बहरा मुझे दिल की सुनने दो, चाहिए आजादी इन कमरों में बंद ना मुझको करो, हो गया बहरा मैं बहरा या आजादी इन कमरों में। बहुत बहुत अलग गाना यार, तो इसके आगे बेसिकली हमें म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें भाई गाने के बारे में, भाई आप सबने सुना भाई किस लेवल का मास्टरपीस है, एंड यस दिस इज़ मास्टरपीस फॉर मी। गाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लिरिक्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हार्डकोर नहीं है कि भाई हमें कॉम्प्लिकेटेड लगे समझने में कि हाँ भाई समझ नहीं आ रहा, मतलब दिस इज़ जस्ट सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक मोटिवेशन टाइप है, क्योंकि यूजली हम जितने मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हैं वो क्या तो बहुत ज़्यादा हार्डकोर होते हैं, लाइक जैसे रफ्तार पाजी बनाते हैं फिर कोई और आर्टिस्ट बनाता है तो ये मतलब उसकी बीट वगैरह एनर्जी सुन के फिर हमें मोटिवेशन आता है, नहीं इस गाने को सुनो, मतलब इतना सॉफ्ट मोटिवेशन ट्रैक शायद ही तुमने कभी सुने, और सुनोगे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये भाई चिल वाइब देने वाला, तुम इसे एनी टाइम सुन सकते हो भाई ऐसे गानों को, तुम्हें कोई बड़े स्पीकर्स की नहीं ज़रूरत, बड़े अच्छे ईयरफोन्स की नहीं ज़रूरत भाई, बस तुम्हें वाइब करनी है इस गाने के ऊपर तो तुम कैसे भी कर लोगे। एंड जो मेनली मैजिक है भाई वो है इस गाने का हुक या फिर कोरस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सारे मीनिंग्स छुपे हैं भाई कोरस के अंदर, एंड रियल मोटिवेशन तो भाई कोरस के अंदर ही है। और अगर हमने विशेष भाई का पहला वर्स सुना है तो फिर आपको पता लगी होगी होगा भाई व्हाट इज़ मोटिवेशन भाई, ठीक है भाई, मतलब क्रेजी गाना यार, जाके सपोर्ट करो गाने को, गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो भाई जाके चेक करना, आर्टिस्ट प्रोफाइल दे दूंगा भाई की विशेष भाई की, अगर आपने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया भाई को तो प्लीज़ जाके करो भाई, हाईली रिकमेंडेड है ये आर्टिस्ट, एंड नैज को तो आप सबने ऑलरेडी सुने रखा है। तो भाई बेसिकली यही था, एक बहुत प्यारा कोलैब रिलीज हुआ है मार्केट में, तो हम इसे अंडररेटेड नहीं छोड़ सकते भाई, और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो अभी अपना काम बनता है भाई, अब हम इस गाने को शेयर करें और इस गाने को वो डिजर्व करवाएं जो ये गाना डिजर्व करता है, क्योंकि लिटरली दिस सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, बाकी बातें करेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।